बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक और दो बड़े अपडेटों के लिए। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब सबकी निगाह चुनाव पर ही टिका हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव कब होगा। आपको बता दें कि मुखिया के चुनाव के लिए पंचायत राज कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के कार्यपालक पदाधिकारियों के बदले जाने को लेकर कानून में संशोधन के बाद पंचायती राज विभाग में विचार विमर्श शुरू हो गया है। इधर इसको लेकर विभाग की इच्छा है कि पंचायत चुनाव तक BDO को ही पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने दिया जाए। इसके साथ ही प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाए, यानी कि पंचायत चुनाव तक BDO ही पंचायत समिति का काम देखेंगे। इधर इस पूरे मामले को लेकर विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अभी पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, इसमें BDO और प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी व्यस्त हैं। इसको देखते हुए चुनाव तक यह व्यवस्था जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। वहीं जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नए पदाधिकारी की तैनाती भी जल्द करने पर विभाग के स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। इधर 38 जिलों के लिए इतने ही उप सचिव और उसके ऊपर के पदाधिकारियों की मांग समान प्रशासन से पंचायती राज करने जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि चूंकि जिला परिषद में नए पदाधिकारियों को भेजना है, इसलिए वहां कोई परेशानी नहीं होगी, जबकि प्रखंड स्तर पर वहीं के पदाधिकारियों के बीच में अधिकारियों का आदान प्रदान करना है, इसलिए पंचायत समिति के चुनाव बाद नए पदाधिकारियों का पदस्थापन पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव EVM के साथ साथ बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स में कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सभी बैलेट बॉक्स पर ग्राम पंचायत का नाम और संबंधित मतदान केंद्र का नाम जरूर अंकित करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त बैलेट बॉक्स पर मतदान की तिथि भी अंकित की जाएगी। इसमें मतदान के बाद EVM के अतिरिक्त बैलेट बॉक्स को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाना सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बैलेट बॉक्स के बदले जाने या फिर टूटने इत्यादि की घटनाएं नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी पीठासीन पदाधिकारी को दी गई है। इनकी जिम्मेदारी होगी कि बॉक्स को मतदान केंद्र तक पहुंचाना और मतदान के बाद इसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना इनकी अहम जिम्मेवारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार मतदान समाप्ति के बाद बॉक्स पर क्रमांक भी अंकित किया जाएगा। एक से अधिक बॉक्स का उपयोग किए जाने पर सभी बैलेट बॉक्स का क्रमांक अंकित किया जाएगा। जैसे कि आयोग के अनुसार दूसरे बैलेट बॉक्स पर 1/2, तीसरे बैलेट बॉक्स पर 1/3 क्रमांक अंकित किए जाएंगे। आयोग के अनुसार मतदान सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पीठासीन पदाधिकारी को पर्याप्त बैलेट बॉक्स को तैयार करने और उसे बंद करने और फिर सील करने का अच्छा तरीका अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसके लिए भी आयोग ने जो है एक ट्रेनिंग की बात कही है। इस कार्य के लिए मतदान स्थल के लिए रवाना होने से पहले ही दस्ता हासिल कर लेनी होगी कि इसमें क्या कैसे क्या कुछ करना है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल पंचायत चुनाव को लेकर गाँव में राजनीति तेज हो गई है। चाय की चुस्की से लेकर चौपाल में होने वाली आम बैठकों में भी चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है, क्योंकि गांव में बनने वाली सरकार को लेकर गांव के लोगों को, खास करके मतदाताओं को, यह उम्मीद है कि बिहार में बहुत ही जल्द, जितनी जल्द हो सके, पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।